जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के निर्देशन में देवास जिले के बागले पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस द्वारा स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें अपनी सुरक्षा पुलिस प्रशासन से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं। थाना प्रभारी अमित सोनी, SI सपना रावत, चापड़ा चौकी प्रभारी जानकी प्रसाद, अनुरागी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चापड़ा पहुंचे, जहां पर पुलिस ने सभी छात्र छात्राओं से संवाद किया, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन महिला सुरक्षा 100 डायल के बारे में छात्र छात्राओं को बताया गया। वहीं थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए, साथ ही पोस्को एक्ट, सिटीजन कोप एप कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही SI सपना रावत ने छात्राओं से चर्चा कर महिला संबंधित कानून के बारे में विस्तार से चर्चा की एवं स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए उसके बारे में भी छात्राओं को बताया गया। थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रत्येक शासकीय व अशासकीय स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं से संवाद हमारी पुलिस टीम द्वारा किया जाएगा। संवाद में बताया गया कि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे, परीक्षा परिणाम में चाहे नंबर कम आए लेकिन कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। यदि इस बार नंबर कम आते हैं तो अगली कक्षा में अच्छी मेहनत कर अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, इसलिए कभी भी हमें मायूस होकर गलत कदम उठाना नहीं चाहिए। क्या प्रोग्राम था आज हमारे विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चापड़ा में? बागली के TI साहब श्री अमित सोनी जी और SI मैडम के साथ जो उनकी टीम पधारे और उन्होंने बच्चों को आत्मरक्षा से संबंधित और अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए नए नए गुर सिखाए और किस प्रकार से उनको अपनी सुरक्षा करना है, विभिन्न प्रकार के डायल नंबर 100 डायल के, महिला के 1090 और ये नंबर भी उन बच्चों को बताए। और विशेषतः SI मैडम ने बच्चियों से अलग से चर्चा की और उनको भी अपनी आत्मरक्षा के गुर सिखाए। आपका नाम? मेरा नाम हुकुम शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चापड़ा। गवर्नमेंट स्कूल चापड़ा में आए हैं तो आप लोगों का क्या प्रोग्राम था? हाँ, ये गवर्नमेंट स्कूल चापड़ा में आए हैं, ये हमारा महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उनके बचाव के लिए अभियान चल रहा है, जिसमें हमें महिलाओं को उनके सेल्फ डिफेंस, मतलब वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं और क्या 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 उनके राइट्स हैं ये सब बताया है, और लड़कियाँ कैसे अपने आप को किसी मतलब अपराध से बचा सकती हैं और कैसे अपराधी से लड़ सकती हैं, ये सब बताने के लिए हमने यहाँ पे एक सभी मतलब बच्चियों की क्लास ली है और उसमें बॉयज़ को भी शामिल किया है। जैसे आजकल बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं, और तो उनको बताया कि आपको डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए और डिप्रेशन में आके सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और हर इंसान में एक ना एक खूबी होती है, और उस खूबी को हमने मतलब आके उन्हें बताया कि आपको सुसाइड नहीं करना है बल्कि ज़िंदगी से लड़ना है, कि ज़िंदगी कैसी जीनी है उन्हें बताया। और आपका नाम? मेरा नाम सपना रावत है, मैं सब इंस्पेक्टर पदस्थ हूँ थाना बागली। स्कूलों में जो बच्चों से संवाद किया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा, क्या उद्देश्य और क्या है? शनिवार पुलिस अधीक्षक महोदय देवास की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में जाकर बालक बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति और पुलिस के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सेशन दिए जाने चाहिए। उसी के तहत आज हमने श्यामनगर स्कूल में जाकर के सुरक्षा के लिए और संवेदनशीलता के लिए सेशन दिया। सर, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? हाँ, ये अभियान निरंतर हमारा जारी है। हमारे यहाँ की जो महिला अधिकारी हैं वो बालिकाओं से बात कर रही हैं, हम भी विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं, उसको निरंतर रखने वाले हैं। इसमें एक तो हम ये जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस से संबंधित जो डायल 100 है या जो 1090 है महिला हेल्पलाइन या 1098 है चाइल्ड हेल्पलाइन, उसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए उन कानूनों के विषय जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सर अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो तत्काल उपाय कर सकते हैं उसके लिए जानकारी इसमें दी जा रही है। बस एक सामान्य संवाद भी हो रहा है बच्चों से, जिसमें पुलिस के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहें और जागरूक रहें और उनसे डर भय कम दूर।